Good morning, students. Today we will learn the short form of decimal. Okay? So students, last class में हमने expanded form सीखी थी, ठीक है? तो हमें यहाँ पहले short form में दिया हुआ था, तो हमने इसे expand करना सीखा था. Okay? तो आज हमें expanded form में दिया हुआ होगा और हम उसे short form में convert करेंगे. ठीक है, तो आपको प्लेस वेरिएंस के बारे में पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, इसके पहले भी बताया था. ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल्स. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो डेसिमल्स है उनकी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका एक लेती हूँ, वो है 10 + 2 + 3/10 + 4/100. ओके, तो सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यूज देखो, यहाँ है 10, 2, 3/10 और 4/100. तो आपको पता है ये आपका है टेंस वाला प्लेस, ये है आपका वंस वाला प्लेस. ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल जो आपके न्यूमेरल्स होते हैं उनमें अगर आप ऐसे काउंट करते हैं प्लेस वैल्यूज, तो कैसे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर वो आगे बढ़ता रहता है. लेकिन जब आप पॉइंट के डेसिमल के इस तरफ मतलब राइट साइड में अगर आप काउंट करते हैं, तो कैसे काउंट करते हैं, टेंस, क्योंकि ये टेंस है. ठीक है, और यहाँ हंड्रेड्स हो जाएगा. फिर इसके आगे अगर थाउजेंड वाली जो टर्म आई उसके बोलेंगे थाउजेंड्स वाला प्लेस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेंस एंड वंस, तो इन दोनों के लिए लिखना है. टेंस और वंस के लिए हम लिखेंगे, तो देखो इन दोनों को तो हम कैसे लिख देंगे, ये टेंस है तो इसके लिए हम वन लिखेंगे, तो ये वन हो गया. अब यहाँ पे ये वंस वाले प्लेस पे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टू लिखेंगे वंस वाले प्लेस के लिए ना. अब यहाँ देखो क्या आ गया आपका टेंस वाला प्लेस, मतलब जो डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट होता है वो. तो हमें इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 3/10 है, तो 3/10 ये कौन सी प्लेस का है, टेंस प्लेस का. तो टेंस प्लेस के जो पहले आता है आपका वहां क्या होता है, डेसिमल. टेंस प्लेस के जस्ट पहले आपका आता है डेसिमल, एंड फिर उसके पहले जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं आपके न्यूमेरिकल नॉर्मल. ठीक है, तो 12 के बाद मैंने यहाँ लगाया पॉइंट. अब देखो ये है आपका टेंस प्लेस पे, तो ये 3/10 है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 यहाँ लिखेंगे. ओके, अब यहाँ देखो 4/100, तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 4 को हम लिख देंगे यहाँ इस जगह पे. ओके, तो ये आपकी हो गई शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल. तो जो डेसिमल की शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, फिर आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7 + 900 sorry 9/100 and + 3/1000. अब आप देखो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 7 जो है ये कौन सी प्लेस पे है, ये है आपका वंस प्लेस पे. 7 आपका है वंस वाले प्लेस पे, एंड यहाँ देखो अब यहाँ है 9/100, मतलब ये है हंड्रेड्स प्लेस पे. हंड्रेड प्लेस पे है, इसका मतलब ये है इसके पहले जो टेंथ प्लेस था वहां पर क्या है, 0 है. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टेंथ प्लेस के लिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है आपका, 0 है. जो आपका गिवन नहीं होता उसे हम क्या सिद्ध करते हैं, 0. तो सबसे पहले हम वंस प्लेस के लिए यहाँ पर 7 लिखेंगे, एंड यहाँ पर अब आपके जो डेसिमल्स के बाद वाले नंबर होते हैं वो स्टार्ट हो गए. अगर अपॉन में जो आपके नजर आते हैं, जो भी आपको अपॉन में 100, 10 या 1000 या इससे ज्यादा अगर 0 तक अपॉन में नजर आ रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डेसिमल के बाद में आएंगे, मतलब राइट साइड में आएंगे. ओके, तो यहाँ हम लगाएंगे अब डेसिमल, और ये है आपका हंड्रेड प्लेस पे, तो हमें टेंस प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा. और हंड्रेड प्लेस पे है आपका 9, एंड यहाँ थाउजेंड प्लेस पे है आपका 3. तो ये आपका हो गया 7.093, एंड इसके पहले से हम कैसे रीड करेंगे, 12.34. अब यहाँ है आपका थर्ड
देखो यहां हम करेंगे अब सेवन प्लस टू बाई टेन प्लस फाइव बाई हंड्रेड एंड एट बाई वन थाउजेंड। इसे कैसे करेंगे हम देखो, यहां ये जो सेवन है ये है आपका वंस प्लेस पे, तो हम इसे यहां लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल उदाहरण है तो ये वंस प्लेस पे होगा, इसके बाद आपका टेन फिर हंड्रेड ऐसे आता है। तो ये वंस प्लेस पे हमने सेवन लिख दिया, अब इसके बाद टू बाई टेन स्टार्ट हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में जीरोस वाली टर्म्स स्टार्ट हो गई। तो यहां पर आपका क्या आएगा, सेवन के बाद में डेसिमल आएगा, तो हमने डेसिमल लगाया। अब इसके बाद यहां है टेंस वाले प्लेस पे आपका टू एंड यहां है फाइव बाई हंड्रेड, मतलब हंड्रेड्स वाले प्लेस पे है आपका फाइव एंड यहां एट बाई वन थाउजेंड है, तो थाउजेंड्स वाले प्लेस पे क्या है एट, तो मैंने यहां लिख दिया एट। तो आपका जो आंसर आया वो है सेवन डेसिमल टू फाइव एट। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको अगर स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप इजीली उसे शॉर्ट फॉर्म में या फिर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यूज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।